यूपीपीएससी में जो अभी ऑप्शनल हटाने की मांग करी जा रही है उससे कई लोग बड़ा डरे हुए हैं कि भैया नया क्या चीज इंक्लूड कर दी जाएगी। कोई कह रहा है मैथ्स का पेपर इंक्लूड कर दिया जाएगा, कोई कुछ कह रहा है और कई सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। डरने की जरूरत नहीं है, डिमांड सिर्फ यही है कि भाई ऑप्शनल पेपर को हटाया जाए क्योंकि उसमें स्केलिंग आयोग नहीं कर रहा है 2018 के बाद से। पहले स्केलिंग होती थी तो पार्शियलिटी नहीं होती थी इतनी, और वैसे जब स्केलिंग था तब भी कई सारे विवाद होते थे, कई लोगों को जो है एक तरह से लगता जरूर था कि इतने नंबर काट लिए, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं था। तो जब तक ये ऑप्शनल रहेगा तब तक समस्याएं रहेंगी, तो मेरे हिसाब से होना यही चाहिए कि ऑप्शनल पेपर को हटा के यूपी स्पेशल को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि भैया यूपीपीएससी का पेपर है, ठीक है, ये यूपीएससी का पेपर नहीं है, ये है यूपीपीएससी का पेपर, स्टेट पीसीएस उत्तर प्रदेश का है, इसमें उत्तर प्रदेश का वेटेज जरूर होना चाहिए। और ये बात हो रही है कि स्टैटिस्टिक्स भी शायद इंक्लूड करी जा सकती है उसमें, देखिए होगा भी तो बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है, वो सारी चीज़ें बनवाई जाएंगी, सारा सपोर्ट दिया जाएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो भी नया पैटर्न आएगा उसके सारी चीज़ें बिल्कुल वीडियो फ्री में देंगे हम, काहे टेंशन ले रहे हो आप लोग, टेंशन मत लीजिए कतई, लगातार पढ़ते रहिए। नया बैच हमारा यूपीपीएससी का चालू कर दिया गया है, अब करीबन 120 दिन बचे हैं, सिर्फ उतना पढ़ के उसमें एडमिशन लेके जितना उसमें मटेरियल दिया गया है सिर्फ उतना पढ़ के और प्रैक्टिस करके पेड क्विज और टेस्ट सीरीज करके आराम से प्री में सिलेक्शन अभी भी लिया जा सकता है। बाकी जो भी चीज़ें चलाई जा रही हैं पार्टिसिपेट जरूर करिए 2-4 मिनट, लेकिन पढ़ाई भी अपनी जारी रखिए, पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये नहीं कि पूरे दिन जो है आंदोलन ही में कूद गए, बिल्कुल सपोर्ट करिए। जो भी ट्वीट करना करवाया जा रहा है मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी 2-4 मिनट कर दिए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते रहना भैया हैं, टाइम क्योंकि चला जाएगा फिर आयोग की परीक्षाएं पोस्टपोन नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। और एक बात और है कि देखिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कहीं भी कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई पक्षपात हो या फिर कोई पार्शियलिटी हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो चाहे मैथ्स का हो, अभी का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट ठीक है, बस ये ऑप्शनल में दिक्कत है सभी लोगों को क्योंकि यहीं से पार्शियलिटी होती है। मैथ्स में या फिर साइंस वाले सब्जेक्ट्स में अगर आप अच्छे हैं, आपने तैयारी करी है, आंसर राइटिंग करी है, आप उसमें लिख के नंबर ला सकते हो 350-300 तक, लेकिन ह्यूमैनिटी में चाहे जितने अच्छे हो चाहे जितनी प्रैक्टिस की हो, आप उसके प्रोफेसर भी होगे, आप विद्वान भी होगे, तब भी 250-60 से ज्यादा नंबर ही नहीं मिलते हैं। ये है मेन पक्षपात की जड़, ये डिमांड करी जा रही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, प्लस जो बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं कि भाई ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी को एक समान मौका देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि किसी भी साइड के स्टूडेंट के साथ कोई भी जो है पक्षपात हो या कोई पार्शियलिटी हो, सभी लोगों के साथ हैं हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम। नया इनिशिएटिव भी प्री के लिए चालू कर रहे हैं, डे वाइज सीरीज, फ्री टेलीग्राम को फॉलो करते रहिएगा। देखिए अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो सिर्फ पेड ग्रुप में जितना दिया जाए उतना पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं आप, अदरवाइज हमारे 2 फ्री टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करके 3 प्लेलिस्ट देख के सारी चीजें कंप्लीटली फ्री भी करी जा सकती है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।